हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PNB एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बता रहे हैं कि आप लोग अगर एल्बम तैयार करना चाहते हैं, मतलब डिजाइनिंग के लिए दे रहे हैं, तो आप लोगों को कितना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। बेसिकली हम लोग बात करेंगे 10 सीट, 15, 20, 30, 35, 50 सीट तक जाएंगे। उसके बाद एज इट इज़ आप लोग डबल कर सकते हैं। आप सभी को हम बेस्ट बताने वाले हैं कि आप लोग कितना फ़ोटो को अगर सेलेक्ट करते हैं तो बेस्ट आप सभी को एल्बम बन सकता है। करिश्मा एल्बम की बात कर रहे हैं, वेडिंग एल्बम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि 10 सीट अगर आप लोगों को एल्बम तैयार करना है। बेसिकली अभी तो कोई फिलहाल 10 सीट का नहीं बना रहा है, लेकिन अगर बर्थडेज वगैरह है तो आप सभी को 10 सीट बनाना पड़ जाता है, या फिर गृह प्रवेश वगैरह है। तो इसमें आप सभी को 70 फोटो सेलेक्ट करना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 70 फोटो। हाँ, थोड़ा एक दो फोटो बढ़ सकता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 70 फोटो अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो आप सभी का एल्बम बहुत ही अच्छा तरीके से बनेगा। मतलब अप्रोक्स 4 फोटो इंक्लूड होगा पर सीट में, 4 आप सभी को इस साइड देखने को मिलेगा, 4 इस साइड देखने को मिलेगा। मतलब एक सीट में आप सभी को प्रॉपर 8 फोटो अपलोड किया जाएगा, क्योंकि साथ में वहाँ पर आप सभी को बैक पेज और फ्रंट पेज भी बन रहा होता है, तो उसमें दो, मतलब एक पेज का गायब हो जाता है। साथ में अगर क्लोजअप बनाना चाहते हैं तो 1, 2, 3, मतलब हर एक का डिमांडेड है कि कितना आप सभी को क्लोजअप चाहिए, उस हिसाब से भी इधर आप सभी का कम होता चला जाता है। तो बेस्ट है अगर आप लोग 10 सीट एल्बम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को 70 फोटो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करें 15 सीट, तो 15 सीट के लिए आप सभी को 100 फोटो सेलेक्ट करना है। 90 से 100 फोटो सेलेक्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा तरीके से आप सभी का एल्बम बन जाएगा, मस्त लगेगा बिल्कुल देखने में। बड़ा बड़ा साइज में आप सभी का फोटो प्रिंट होगा और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। उसमें आप सभी को फ्रंट बैक भी देखने को मिल जाएगा, साथ में आप सभी का क्लोजअप पेज भी आ जाएगा, 1, 2 क्लोजअप पेज भी इंक्लूड हो जाएगा अगर आप लोग मतलब 90 से 100 फोटो सेलेक्ट करते हैं तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग 15 सीट का एल्बम बना रहे हैं तो इतना फोटो सेलेक्ट करने का कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट बात करें 20 सीट, तो 20 सीट के लिए आप सभी को 120 से लेकर के 130 फोटो सेलेक्ट करना है अच्छा एल्बम बनाने के लिए। और अभी तो फिलहाल मार्केट में चल रहा 150 फोटो कर दिया है, लेकिन 150 फोटो में मज़ा नहीं आता। हम खुद एक डिजाइनर हैं और हम खुद डिजाइनिंग करते हैं, मुझे पता है ना कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। लास्ट में हमको 10 फोटो यूज़ करना पड़ता है, कहीं पे 9 फोटो यूज़ करना पड़ता है, कहीं पे 8 फोटो यूज़ करना पड़ता है। मतलब अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अच्छे खासा जा रहा होता है, लास्ट में जब फोटो बच जाता है तो क्या करना है भाई, तो हमको ऑर्डर है 20 सीट में कंप्लीट करने का, तब उस टाइम हमको 10-12 सीट का फिर मतलब पेज उठाना पड़ता है और उसमें इंक्लूड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ख़राब लगता है देखने में। तो इसीलिए आप सभी को 120 से लेकर 130 फोटो सेलेक्ट करना है अगर आप लोगों को प्रॉपर 20 सीट का एल्बम बनाना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो और नेक्स्ट बात करें 25 सीट की, तो 25 सीट के लिए आप सभी को 180 फोटो सेलेक्ट कर लेना है। 70 से 80 फोटो सेलेक्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा तरीके से आप सभी को एल्बम तैयार हो जाएगा, मस्त लगेगा बिल्कुल देखने में। बड़ा बड़ा साइज में प्रिंट होगा, अच्छा खूबसूरत बनेगा, उसमें भी आप सभी को फ्रंट बैक साथ में 1, 2 क्लोजअप पेज भी देखने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। और नेक्स्ट बात करें अगर आप लोग 30 सीट का एल्बम बनाना चाहते हैं तो उसमें आप सभी को 220 फोटो डालना पड़ेगा। 220 फोटो डालिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, काफ़ी मस्त तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मतलब बड़ा बड़ा साइज में प्रिंट होगा, साथ में बड़ा बड़ा खूबसूरत लगेगा देखने में, और डिजाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और डिजाइनर के भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सुविधा मिलता है, काम करने में भी उसे मज़ा आता है, फेस वेस पे काम करेगा तो अच्छा लगता है देखने में। अब जाहिर सी बात है, एक फ़ोटो में अगर 12-10 फोटो इंक्लूड करेगा तो उतना वो खट ही नहीं पाएगा, हर एक फ़ोटो पे काम थोड़ी कर पाएगा। हाँ, रहता है इसमें जैसे कि 8-7 करके यूज होगा एक एक सीट में, तो उसमें वो आराम से काम कर लेता है और अच्छा लगता है देखने में। 30 सीट का एल्बम बनाना चाहते हैं तो उसमें आप सभी को 220 फोटो इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें 35 सीट के लिए, यानी कि 35 सीट के लिए, तो 35 सीट के लिए आप सभी को फोटो सेलेक्ट करना है 250, इससे ज़्यादा फोटो आप सभी को सेलेक्ट नहीं करना है। 250 फोटो सेलेक्ट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में एल्बम, मस्त तरीके से डिजाइन होगा, प्रिंट होगा, और काफ़ी बड़ा बड़ा साइज में आप सभी को देखने को मिलेगा, नहीं तो वही खिचड़ी बन जाएगा, एक ही जगह हर एक फोटो आ जाएगा। 8-10 अगर यूज होने लगेगा, 10-12 तो फिर खिचड़ी बन जाएगा, देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, और पार्टी वाला से मतलब दूसरा काम आप सभी को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग बात कर रहे हैं पार्टी से इतना के बारे में, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए बजट,
अपना कि मेरा इतना वीडियो बनाने में जाएगा, इतना एल्बम बनाने में जाएगा, उस हिसाब से आप लोग चार्ज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग कम पैसे में उठा लिए और उसी में घिसेटे जा रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों को प्रॉपर बजट आप लोगों को तैयार कर लेना है कि नहीं, इतना में इतना चीज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जाके बोलिए, और फिर डन होगा तो डन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। नेक्स्ट बात करें तो 40 सीट के बारे में, तो 40 सीट में आप सभी को टोटल फोटो इंक्लूड करना है 280। ऐसे तो अभी मार्केट में चल रहा है 300 फोटो, लेकिन 300 फोटो में काफ़ी ज़्यादा मतलब गैदरिंग हो जाता है। तो प्रॉपर अगर आप लोगों को एल्बम तैयार करना है 40 सीट का, तो उसमें 280 फोटो तैयार कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बड़ा बड़ा साइज में प्रिंट होगा। इसमें भी आप सभी को 2-3 से ज़्यादा मतलब क्लोजअप पेज देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। ट्रांसपेरेंट वगैरह भी इंक्लूड इसमें हो जाता है, ऐसे हर एक में हो जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आप सभी को लगेगा, लेकिन इसमें आप सभी को मतलब डिजाइनर ही दे देता है कि आप लोग जब 40 सीट का बना रहे हैं तो इसमें आप लोग ट्रांसपेरेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का मर्जी है, अगर ट्रांसपेरेंट वेलवेट बहुत सारा पेज आता है तो अगर करना चाहते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट, अगर 45 सीट अगर आप लोगों को एल्बम बनाना है तो उसके लिए लगभग आप सभी को 310 से 320 फोटो सेलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 310 फोटो ही मान के चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। बड़ा बड़ा साइज में प्रिंट होगा, साथ में अच्छा डिजाइनिंग होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, प्रिंट के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे 50 सीट में, तो एक्चुअली 50 सीट में आप सभी को 340 के आसपास आप सभी को फोटो सेलेक्ट करना है, मतलब 30 या 35 के बीच में, 330, 35, 40 तक हार्डली जा सकता है, उससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। ऐसे तो अभी खैर मार्केट में 350 फोटो कर दिया गया है, अगर कोई डिजाइन कर रहा 50 सेट का तो उसके लिए आप सभी को मतलब 350 फोटो दे दिया, लेकिन वैसा नहीं करना है, 330, 35, हार्डली 40, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर एल्बम देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर इतना फोटो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा आप सभी को एल्बम तैयार हो जाएगा, बिल्कुल डिजाइनिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा, साथ में फ्रंट बैक क्लोजअप ट्रांसपेरेंट वेलवेट ये सब पेज भी आप सभी को इसमें देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, प्रिंट होने के बाद तो काफ़ी और मस्त लगता है, बड़ा बड़ा साइज में प्रिंट होता है और मतलब मस्त लगता है देखने में। तो ये मैंने सारा कुछ आप सभी को बता दिया, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 के बारे में, तो आप लोगों को अब कहीं पे किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है, मेरा वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कितना फोटो सेलेक्ट करना है एल्बम बनाने के लिए या फिर डिजाइनिंग के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से इसी तरह किसी अच्छे वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।